जी मैं हूँ हाफिज इमरान काशिफ, आप देख रहे हैं जियो गुजरावाला न्यूज़ एचडी। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी कॉलोनी में। डीसी कॉलोनी का मैरिज हॉल है, उसमें तमाम ग्रुप जो है इकट्ठे होते हैं, हर ग्रुप अपना जो है पावर शो मुनक्किद इधर से ही करवाता है। आज यूनिटी ग्रुप का जो बहुत बड़ा इज्तमा था तो लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PP55 के सदाकत हुसैन गुजर साहब, हम उनसे जानेंगे। आपके चीफ गेस्ट आज के चीफ गेस्ट थे, हम उनसे जानेंगे। चलें हमारे साथ। जी मैं हूं हाफिज़ इमरान काशिफ, आप देख रहे हैं जियो गुजरावाला न्यूज़ एचडी। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी कॉलोनी में। जिस तरह के आपको पता है नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है, तमाम ग्रुप जो अपना पावर शो जो है वो दिखा रहे हैं। आज यूनिटी ग्रुप का एक बहुत बड़ा इज्तमा था जिसके मेज़बान चौधरी सदाकत हुसैन गुजर साहब हैं। अपनी बरादरी में काफ़ी मकाम रखते हैं, जानी पहचानी शख्सियतें हैं, हम इनसे जानेंगे। आज आपने जो यूनिटी ग्रुप को इनवाइट किया, आज पुरतकल्लुफ़ उनको इशाइया में इनवाइट किया, हम उनसे जानेंगे क्या यूनिटी ग्रुप आज की जो पुरवकार तकरीब है उसके बारे में पूछेंगे, और जो आज की गैदरिंग है, आज का जो इज्तमा हुआ है उसके बारे में। जी हमारा आज का जो गैदरिंग थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हमने जिन जिन लोगों को काले किए हैं, जिन जिन लोगों को बुलाया है, और ये चार पांच गेंडी की मेहनत का है। हमारे ग्रुप ने हमको कल शाम को बताया कि आप लोगों ने जो है ना वो अपना जलसा अपनी कार्नर मीटिंग करनी है, तो मैंने जो है ना रात को तो काम नहीं हुआ हमसे, और हमने सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर ये 2-3 बजे तक हमने अपने दोस्तों को काले की जो हमारे वोटर और मेम्बर थे, हमारे भाई थे जो हमारे जो वोट मांग रहे थे। अब वो हमारी एक कॉल पे इंशाल्लाह आपने देख ही लिया है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आए और उन्होंने ये हमारा जलसा जो हमारी कार्नर मीटिंग थी ये कामयाब हुई, और हम इंशाल्लाह आगे भी आकर अपने जो हमारा पूरा ग्रुप जो है ना वो कामयाब होगा। यूनिटी ग्रुप जो एक एक इंशाल्लाह 15 बंदे हैं, वो 15 बंदे जो लोग हैं वो इंशाल्लाह सब एक से एक ज़्यादा बहुत अच्छे लोग हैं। हम इंशाल्लाह पूरा ग्रुप कामयाब होंगे, और हमारे दोस्तों ने हमसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों का कभी एहसान नहीं बुलाएंगे जो हमारी एक कॉल पे इधर आए और हमसे उन्होंने प्यार किया। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आपने यूनिटी ग्रुप के तमाम कायदीन जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, आप उनका वालहाना इस्तकबाल किया है, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, और हमने जिस तरह अपने ग्रुप का इस्तकबाल किया है हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया, और हमें इंशाल्लाह हमारी गैदरिंग बड़ी अच्छी थी, और उसके साथ हमने उनको जो है ना वो हमारी लोगों ने हमारे भाइयों दोस्तों ने उनका इस्तकबाल किया। जी चौधरी सदाकत हुसैन गुजर साहब का कहना है वो बहुत ही मुतमिन है, हमारा ग्रुप जीत जाएगा, हमने उनका इस्तकबाल दिलो जान से किया है, और हम उनकी मेहमान नवाजी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेहमान नवाजी का जो शेवा है वो बड़ों का है, वो हम बड़ों के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। जी सलीके हैं, 2 बार MPA के इजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। आज चीफ गेस्ट से यूनिटी ग्रुप के, हम इनसे जानेंगे आज यूनिटी ग्रुप में आप आए हैं, आपका सियासत से बहुत ज़्यादा जो है तजर्बा है, आप उसके हवाले से यूनिटी ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे लोगों को? थैंक यू जनाब, आपने मुझसे पूछा। यूनिटी ग्रुप ऑलरेडी पहले पिछले 3 साल बड़े अच्छे तरीके के साथ डिस्ट्रिक्ट लूने के रहशियों की खिदमत कर रहा है, और मुझे तवक्को है कि आइंदा भी ये इलेक्ट होके बहुत अच्छे तरीके से डीसी कलोने के जो रहायशी हैं, जो मेम्बरान सोसाइटी हैं, उनके अच्छे तरीके से ये खिदमत करेंगे, और डीसी कलोनी की वेलफेयर के लिए जो भी मुमकिन हो सका वो हर वो कदम उठाएंगे जो डीसी कलोनी की वेलफेयर के लिए होगा। अच्छा नाजरीन को ये बताइएगा कि दूसरे जो आज बहुत ज़्यादा लोग थे, आपका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, आपका इतने सालों से आप जो है विन हो रहे हैं, अपने हलका से आपका वर्थ बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है, हमने सर्वे किया है, क्या आप वाकई कहेंगे ये सब लोग वोटर थे? आज जो जितने भी यहाँ लोग मौजूद थे, जो उनका जोश व खरोश, जो उनका जज्बा, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो इस बात को यकीनी बना रही थी कि वो बड़े यूनिटी ग्रुप के साथ कमिटेड हैं, और उनकी यहाँ मौजूदगी के साथ साथ जो उनका जोश था वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि 12 तारीख को यूनिटी ग्रुप की फतह होगी। अच्छा दूसरा, डीसी कॉलोनी के रहायशी और तमाम जो ग्रुप, हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं सब दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 12 तारीख को बर वक़्त अपना वोट कास्ट करके और अपने इस डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी को खूबसूरत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें, ताकि कोई भी वोटर अपना वोट मिस ना करे, क्योंकि एक एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है और एक एक वोट के साथ ही कामयाबी बनती है। दूसरा जो दूसरे ग्रुप है उनको ज़रा आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये इलेक्शन जो है ये खेल है और इसको खेल के अंदाज में खेलना चाहिए। ये लोगों की एक चॉइस है, लोगों को जो चॉइस हो उसको इज्जत-ए-इहतराम करना चाहिए। लोग जिनको भी इलेक्ट करें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये कोई दंगा फसाद या कोई ज़बरदस्ती या दोस्त असली नहीं है, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। जो जिससे वोटर सपोर्टर मोहब्बत करते हैं, जिसको वो ऑनर और इज्जत दें, उसको तस्लीम करना चाहिए। जी चौधरी रफाकत हुसैन गुजर साहब का कहना है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा सियासत से ताल्लुक है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आज का जो इज्तिमा यहाँ पे हुआ है, इसमें यूनिटी ग्रुप वाकई ही फतह से हमकनार होगा। जी शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, हजारों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी आल पर। मैं आज अपने आने वाले तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का और मेजबान विकास शेख खोकर और सदाकत गुजर साहब का नहायत मशहूर हूँ, जिन्होंने इतनी खूबसूरत शाम को, इतने अच्छे दोस्तों को आज मधु किया, और आप सब का नहायत मशहूर हूँ जिन्होंने आज आपने यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह ताला 12 मार्च आप सब की दुआओं और मेहनत से यूनिटी ग्रुप की फतह का दिन होगा। इंशाल्लाह ताला 12 मार्च आप सब हमारे साथ मिलके जद्दोजहद के साथ अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए यूनिटी ग्रुप को फतह याब करवाएंगे। सोसाइटी इलेक्शन की बात हो या हमारी रोजमर्रा जिंदगी की, आप तमाम दोस्त भाई हमारे साथ कंधा मिला के चलते रहे हैं। आज हम नहायत मशहूर हैं आपके। सोसाइटी इलेक्शन है, लास्ट 3 साल हमारी रजीब ने यहाँ पर सर्व किया। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बताना मैं जरूरी समझता हूँ। लास्ट 3 साल कंट्रोल में जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियां दी, जिसमें एक्सटेंशन 3 हमारी 12 ब्लॉक नहीं हो पा रहा था, उसके एनओसी मुकम्मल नहीं होते थे, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और हमने मिलकर जो आप सबके सामने ये रजीम, तमाम रजीम, पुरानी रजीम आपके सामने यूनिटी ग्रुप की शक्ल में मौजूद है, और कुछ दोस्त साथी हमारे साथ जिन्होंने हमारी कारकर्दगी को देखते हुए हमारे साथ ज्वाइन किया। तो लास्ट 3 साल के दौर में अल्लाह ताला ने हमें इन कामों से सरफरू किया, जिसमें एक्सटेंशन 3 था। वो एक्सटेंशन 3 इसलिए जरूरी था कि सोसाइटी के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, कोई बजट मौजूद नहीं था, उसके अंदर जो है सोसाइटी के पास सिर्फ 17 करोड़ रुपए की पेमेंट मौजूद थी, जिसमें से हमें 15 करोड़ एक्सटेंशन 3 को पास कराने में लगा। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारे सियासी मुखालफीन जो है वो सोसाइटी की तरक्की के सामने आके खड़े हो जाएंगे, कि ये रजीम या आतिफ के साथी या दोस्त या वो ताश है खोकर को कामयाबी ना हासिल हो,